हजरत आइए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। मुझे कहने दीजिए कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ती में, और मन के सोने आंगन में गर एक घटा बन जाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराता हूँ जो गजल के साथ साथ यकीनन आपको गीत से भी महसूस करेगा। इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ ला रहे हैं जनाब हफीज मुबारकपुरी। शोरा इकराम हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मुशायरे की निजामत कर रहे हैं मेरे मुहिब गिरामी जनाब कुंवर नदीम साहब। आइए दोस्तों, एक मतला एक शेर पेश करता हूँ, लहजा फरमाए। जी हफीज भाई अता करें। भरी महफिल में आंचल से हवा देने लगी मुझको, भरी महफिल में आंचल से हवा देने लगी मुझको, भरी महफिल में आंचल से हवा देने लगी मुझको, मेरी जान खुश रहे कह कर दुआ देने लगी मुझको, मेरी जान खुश रहे कह कर दुआ देने लगी मुझको, कभी बारा दिले कर साथ शहनाई के आ जाना, कभी बारा दिले कर साथ शहनाई के आ जाना, वो लिख कर खून से अपना पता देने लगी। बहुत अच्छे हफीज भाई, वाह 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 वाह। वो लिख कर खून से अपना पता देने लगी मुझको, लगी मुझे देखिए फिल्म में आंचल से हवा देने लगी मुझको, मेरी जान खुश रहे कह कर दुआ देने लगी मुझको। जनाब बिहारी लाल अंबर इलाहाबादी तशरीफ लाए, हम उनका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। माइक पर है जनाब हफीज मुबारकपुरी, आप इन्हें गौर से सुनिए और अपनी दुआओं से नवाजिए। मेरी जान खुश रहे कह कर दुआ देने लगी मुझको, कभी बारा दिले कर साथ शहनाई के आ जाना, वो लिख कर खून से अपना पता देने लगी मुझको, वो लिख कर खून से अपना पता देने लगी मुझको। एक मतला दो तीन शेर और पेश करता हूँ, लहजा फरमाए। जी इरशाद अली। सुरे हजरत। जी हफीज भाई आप पढ़ें। रोशनी से सुने दोस्तों, गौर से सुने, वो मामला लगा रहेगा, आप गौर से सुने इधर। हफीज भाई आप पढ़ें। रोशनी से निस्बत है तीरगी नहीं रखते, रोशनी से निस्बत है तीरगी नहीं रखते, रोशनी से निस्बत है तीरगी नहीं रखते, रोशनी से निस्बत है, रोशनी से निस्बत तीरगी नहीं रखते, हम किसी भी इंसान से दुश्मनी नहीं रखते। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना। रोशनी से निस्बत
हम किसी भी निशा से दुश्मनी नहीं रखते, हम किसी भी निशा से। और शेर पेश करता हूँ, राजा फरमाए चाहता हूँ, राजा फरमाए देश के जो बागी है, कौम के जो दुश्मन है, क्या कहना। देश के जो बागी है, देश के जो बागी है, कौम के जो दुश्मन है, हम तो ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करते। वाह वाह वाह, हम तो ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करते। और ये भी शेर तमामी हजरात समाज फरमाएंगे, ये रविश जमाने की देख कर परेशान हूँ, ये रविश जमाने की ये रविश जमाने की, ये रविश जमाने की देख कर परेशान हो, आदमी से क्यों उल्फत आदमी नहीं रखते, आदमी से क्यों। देखिए हमारी फहरिस्त में खूबसूरत इजाफा, आलमी शोहरत याफ्ता शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा और आली मर्तबत जौहर कानपुरी तशरीफ लाए, हम उनका अराकीन कमेटी की जानिब से इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं, और उनके सिर्फ मशकूर ही नहीं बल्कि एहसान मंद हैं कि वो आज के इस मुशायरे में सोनू भाई की दावत पर लब्बैक कहे हैं। जी कल वो लोग दुबई के मुशायरे में थे और सीधे आप सबकी मोहब्बतों ने उन्हें यहाँ तक लाने पे मजबूर कर दिया। हम अराकीन कमेटी की जानिब से मोहतरमा शबीना अदीब और जौहर कानपुरी साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। आइए जनाब हफीज मुबारकपुरी साहब से उनकी मुतरन्नीम आवाज़ में उनका खूबसूरत कलाम समाप्त करते हैं। जी हफीज भाई आप पढ़ें। एहतजाज करते हैं जुल्म के खिलाफ अक्सर, एहतजाज एहतजाज करते हैं जुल्म के खिलाफ अक्सर, जालिमों की चौखट पर सर कभी नहीं रखते, जालिमों की चौखट पर सर कभी नहीं रखते, सर कभी नहीं रखते, हम किसी भी निशा से दुश्मनी नहीं रखते। और गजल का आखिरी शेर पेश करता हूँ, लहजा फरमाए जी इरशाद अली। सरहदों पे देते हैं जान दिल की कुर्बानी, क्या कहना क्या कहना। सरहदों पे देते हैं, सरहदों पे देते हैं जानो दिल की कुर्बानी, हम वतन परस्ती में कुछ कमी नहीं करते, हम वतन परस्ती में कुछ कमी नहीं करते। और मुख्ता भी दुआओं के साथ मुलाजा फरमा लेते हैं। हम गले लगाते हैं ए हफीज दुश्मन को, हम गले लगाते हैं ए हफीज दुश्मन को, हम गले लगाते हैं, हम गले लगाते हैं ए हफीज दुश्मन को, नफरतों के साए में जिंदगी नहीं रखते, बहुत अच्छी बात, नफरतों के साए में जिंदगी नहीं रखते, हम किसी भी निशा से दुश्मनी नहीं रखते। क्या कहना क्या कहना। हजरात ये थे जनाब हफीज मुबारकपुरी, जिन्होंने अपना छोटा सा सफ़र बड़ी कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।